हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बूथ महासंपर्क अभियान को लेकर जयपुर सांसद पहुंचे बाड़मेर। भाजपा के बूथ महासंपर्क अभियान को लेकर जयपुर सांसद व बाड़मेर के पूर्व जिला संगठन प्रभारी रामचरण बोहरा शनिवार को बाड़मेर पहुंचे, जहां स्थानीय एक निनी होटल में बूथ मजबूती के लिए बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान भाजपा के नेता, पदाधिकारी व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि भाजपा का बूथ महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव व घर-घर जाकर भाजपा द्वारा किए गए कार्य जनता के बीच में रखेंगे व फीडबैक भी लेंगे और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक उम्मीदवारों के लिए पार्टी सर्वे कर रही है और जनता से फीडबैक भी लिया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो कमल का फूल सिंबल पर चलती है। कोई आए कोई जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतृत्व के आदेश अनुसार 2, 3 और 4 नवंबर को बूथ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। उसी संदर्भ में मुझे बाड़मेर का जुमा दिया गया। लगभग 23 हमारे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। आज और कल दो तीन दिन तक बूथ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम है। हम घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर सबको हर बूथ का दायित्व दिया गया है। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार ने जो काम किए, विकास के काम किए, उनकी जानकारी देना और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत कैसे हो, उसके सारी कार्यकर्ताओं से राय करके और महासंपर्क अभियान का काम कार्यक्रम आज शुरुआत कर रहे हैं। बाड़मेर से मैं आज इस संदर्भ में या बाड़मेर आया हूँ और साथ ही जब आया हूँ तो अभी चुनाव चल का माहौल है, सब लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी आज यहाँ पर रखा है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।